आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक नामचीन शख्स हैं, रफन उस्ताद से आपको मैं आज रूबरू कराऊंगा। तो गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और कोशिश ये कीजिए कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज मैं आपको हर चीज़ जो नॉलेज लेना चाहते हैं मंजिल से रिलेटेड, मैं आज इनसे रूबरू कराऊंगा आपको। तो चलिए गाइस, मिलवाता हूँ मैं आपको इनसे। तो गाइस, पहले आप इनका ये ब्लॉग देख लीजिए। ये AMD के नाम से इनका ब्लॉग है। और अब ये इनके साहबजादे शोएब वल्द रफ्फन शोएब भाई ये काम करते हैं। ये इनका मोबाइल नंबर रहा। और ये रहे गाइस रफ्फन उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद। आज इनसे आप रूबरू हो लीजिए और इस वीडियो को आप कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक ज़रूर देखने की। तो मतलब कब से आपने ये काम मांझा बनाना सीखा? ये हमारे वालिद साहब काम करते थे, उनके वालिद साहब भी काम करते थे, हमारे दादा हाँ और हमारे दादा के भी वालिद साहब काम करते थे। ये अच्छा, उनका नाम था नन्ने मियाँ, नन्ने मियाँ साहब। उनके औलाद नूरी नूरी नाम था, तो नूरी नूरी मियाँ, तो वो नूरी उस्ताद के नाम से मशहूर हुए। अच्छा, इसके बाद उनकी औलाद हमारे वालिद यानी के, उनका नाम अली मोहम्मद उस्ताद था। अच्छा, उसके बाद हमने काम सीखा, अब हम काम कर रहे हैं, इसके बाद में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, हमने रिस्क ले लिया। ये रहे शोएब भाई, जो कि अब ये काम संभाल रहे हैं इनका, रफ्फन उस्ताद का। AMD के नाम से इनका ब्लॉग आता है, बहुत शानदार मांझा लगाते हैं। नाम काफ़ी है, देखिए उस्तादों को, उस्तादों का नाम ही काफ़ी है, रफ्फन उस्ताद का नाम ही काफ़ी है। और ये देख लीजिए इनको, आप समझ सकते हैं नॉलेज कितनी है। 100 साल से भी ज़्यादा इनको इस चीज़ में मतलब पुश्तैनी काम है इनका। तो आप समझ सकते हैं इनको कितना नॉलेज होगा, जो कि पुराने ज़माने में देखिए मांझा कैसे बनाया जाता था और अब कैसे मांझा बनाया जाता है। इनको हर चीज़ की नॉलेज है, बारीक छोटी से छोटी चीज़ की नॉलेज है कि मटेरियल कौन सा मिलाना है, किस मटेरियल से धार ज़्यादा तेज़ आएगी, मुलायम कब होगा मांझा, पतला किससे करा जाएगा। तो इनको हर चीज़ की नॉलेज है। और अब मैं इनसे पूछूंगा अभी छोटी छोटी चीज़ें जो बता सकते हैं, बेसिक चीज़ें। अगर मांझा वगैरह आप बना रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। या फिर आप अपने लिए मंजा लगवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आप अपने मांझे में लगवाएं। समझ लीजिए, अंदाजन 100 साल या 125 साल के करीब समझ लीजिए। हाँ, 100 साल पुश्तैनी काम है। तो उस टाइम मांझा आपको जैसे दादा परदादों ने बताया हो। उस टाइम जो मांझा था वो उस टाइम पे चरखे नहीं थे, अच्छा गुल्ले अच्छा गुल्ले बनाए जाते थे, इतने बड़े बड़े गुल्ले बनाए जाते थे। ये हमारे वालिद साहब ने हमें बताया। अच्छा, जी गुल्ले बनाते थे जैसे जो पंजाब में, जी हमारे दादा जो हैं वो गुल्ले बनाते थे, हमारे वालिद साहब ने हमको बताया ये बात। अच्छा जी, इसके बाद में चरखी बनना शुरू हुई, हाँ चलिए, बेहतरीन चरखे बनना शुरू हो गए। हाँ, आजकल के दौर में तो चरखे हैं, दोनों ने सारा काम इजी कर दिया है। जी हाँ, जी हाँ, आप 12 रील का 24 रील भी आराम से लपेट लीजिए जी हाँ, तो आपको परेशानी नहीं, लाने ले जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। जी। एक चीज़ आप ये बताइए, आपने कभी पतंगबाजी कीजिए? ना, हमने पतंगबाजी नहीं करी कभी, अच्छा, पतंगबाजी आपने कभी करी ही नहीं, ना ना कभी कोशिश की? कोशिश करी थी मगर हमारे वालिद साहब ने उसको मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया कि आप पतंगबाजी में ना है। ना है, अच्छा, उसकी दलील दलील बतलाई थी उन्होंने, क्या बताइए? वही बतलाई थी उन्होंने कि अब तुम मैदान जा रहे हो, अगर वहां पे तुम्हारा पेस कट गया, हाँ लोगों ने देखा तुमसे मांझा कौन खरीदेगा। हाँ ये भी बात है। तो एक चीज़ देखिए, मैं ये और शेयर करना चाहता था। लोग जो पूछते रहते हैं कि मंजा आप मुझे बता दीजिए। देखिए, मंजे का खेल तो बाद में होता है, पहले प्लेयर का होता है। प्लेयर की जो स्किल्स होती है, मतलब कला जो होती है, जी पहले प्लेयर फिर उसके बाद में मंजा पतंग। तो पहले आप पेज लड़ाना सही से सीखिए, मंजा तो बाद में काम करेगा। अगर आपको मंजा ही पेज लड़ाना नहीं आते तो मंजा कोई से बढ़िया ले लिए आप, जी समझे? तो आप गाइस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप मंजे पे ना जाके अपनी पेचों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए।
देख लीजिए ये उस्ताद हैं, मगर इन्हीं ने कभी भी पतंगबाजी नहीं की। कुछ बताइए लोगों को कि लोग पागल रहते हैं कि मंजा 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 मंजा, अगर लोगों को पतंगबाजी सही से करना नहीं आती है तो मंजे का क्या काम है। जी हाँ, लोग अगर पतंगबाजी लोगों के अंदर अगर हुनर नहीं है हाँ तो वह मंजा किस काम का। हाँ दूसरी बात यह है, पहले नंबर पे तो हुनर है शौकीन का। हाँ दूसरे नंबर पे पतंग के बारे में हमने सुना है। हाँ दूसरे नंबर पे मतलब पतंग काम करती है, पतंग काम करती है। तीसरे नंबर पे जगह या मांझा काम करता है। हाँ सुना है, तीसरे नंबर पे देख लिए आप, उस्ताद उस्ताद खुद बोल रहे हैं कि तीसरे नंबर पे तो मांझा ही काम करता है। आप ये समझते हो कि पहले नंबर पे अगर मांझा काम कर रहा है और आप पेच काट देंगे बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी का, तो ये गलत फहमी है आपकी। अगर ऐसा होता तो हर कोई मांझा बनाने वाला आज के दौर में जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं वो सब टूर्नामेंट उठाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप कि मांझे पे ज़्यादा ना मरें कि हमने तो महंगा मांझा ले लिया तो हम सबकी पतंग काट के आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस लड़ाना आना चाहिए पेच, घटिया से घटिया भी मांझा भी अगर आपके पास है तो आप काट के आ जाएंगे। हाँ तो कुछ वाक्य वगैरह आप बताइए, आप इतना लंबा तजुर्बा है आपको, कुछ वाक्य जो आपको ध्यान आता हो मज़ेदार वाक्य। वाक्य मज़ेदार तो कई हैं। हाँ बहरहाल एक जो है एक बता देता हूँ मैं। वो उसका अनुभव ये है, जैसे कि हमारा अपना हाँ मांझा कटा हाँ और हम ही को ही खुशी हुई। ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों? ऐसा यूँ हुआ कि खालिद खान रामपुर के हाँ उनके दादा दादा भी कह रहे थे। अच्छा। जो पूरी टीम आई हाँ उनके साथ एक मरादाबाद का लड़का भी आया। हाँ तो दादा की टीम वालों ने वो मांझा लिया मुझसे एक दिन और वो मरादाबाद वाले ने रास्ते में खरीद लिया। अच्छा वो मांझा मरादाबाद वाले ने रास्ते में खरीद लिया। अब इसके बाद मरादाबाद का और रामपुर का पेच पड़ा। मरादाबाद वाले पेच पड़ाने के लिए रामपुर आए। तो उन्होंने जो हमसे मांझे ले गए थे तो वो मरादाबाद वाला लड़का जो था वो उस मांझे को एक रील को लेता आया रामपुर में। तो उसने उसी मांझे को बांधा मरादाबाद वालों ने। तो उस मांझे से एक पतंग काटी, दो पतंग काटी, तीन पतंग काटी, चौथी काटी, पांचवी काटी। अब दादा जो थे खालिद खान और लोग भी थे रामपुर के, उन्होंने कहा ये तो अजीब बात हो गई यार, ये बांझा कटने में नहीं आ रही अभी। अब वो होते होते 6-7-8 हो गई, 8 काट दी उस एक रील ने। अच्छा मुरादाबाद वाले ने रामपुर वालों की। तो दादा जो थे खालिद खान उन्होंने एक आदमी को भेजा अपने घर पे, उन्होंने कहा जाके देख फला जगह मेरे घर पे चरखा रखा हुआ है, वो ले गया। वो गया मोटरसाइकिल पे जाके वो चरखा लेके आया। जब वो चरखा उसने उड़ाया तो वो जब मांझा ले गया था मुझसे मुरादाबाद वाला, तो वो मांझा कटा मेरा। अच्छा उस चरखे से खालिद खान ने अपने घर से मंगवाया था। अच्छा और वो चरखा किसका था जो उन्होंने मंगाया था, कुछ पता है आपको? वो चरखा जो था वो मेरे वालिद साहब का था। देख लिए वालिद साहब के चरखे से इनका मांझा कटा था, देख लिए। तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा करा, जब ये सुना दो एक के मुंह दो तीन के मुंह, तो अल्लाह का शुक्र करा अल्लाह ने मेरे वालिद की लाज रख ली। वालिद साहब का देखिए, जो उनके उस्ताद थे वालिद साहब भी थे, तो उनके मांझे से इनका मांझा कटा, वरना इनका मांझा कट नहीं रहा था। तो ये बहुत बेहतरीन वाक्य है जो इन्होंने सुनाया। ये बताइए कि जो मांझा वगैरह है उसको हम कितने टाइम तक रख सकते हैं और कैसे रखना चाहिए मांझा? पहले का जो मांझा था हाँ वो तो 10-12 साल तक और उससे ज्यादा तक रखा जा सकता था। हाँ अच्छा, अब आजकल मांझे जो है मांझे के अंदर मसाले नए नए पड़ना शुरू हो गए चंद सालों से, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी, और रखना कैसे चाहिए मांझे को? रखना चाहिए सील से बचा कर रखना, घर में अगर कोई जगह सील की है तो हाँ, ना रखें। अच्छा अगर अक्सर ऐसा होता है बरसात में हाँ, खास करके बरसात में सील जगह जगह घर के अंदर सील हो जाती है बार-बार लोगों के घर पे हाँ, तो उसमें मांझे के अंदर सफेदी सफेदी सी आ जाती है, बल्कि बल्कि सी आ जाती है। हाँ, फफूंदी जिसे बोलते हैं, फफूंदी जिसे बोलते हैं,
मुझे लगता है कि वो सिर्फ फफूंदी है ना, तो उससे कमजोरी आएगी ना, मांझा उससे खराब हुआ। अच्छा, हल्की सी मामूली सी चिपक आएगी, अगर वो उसको लड़ाना चाहे तो लड़ा सकता है शायद, मेरे अंदाज में बात यह लड़ा जाएगा मांझा को। अच्छा, वो मंजा मतलब खराब नहीं होता जैसे ना? मंजे में मतलब तोड़ के देखा ना उसके अपने घर पे ही, तोड़ के देखा तो उसके अंदर मतलब मजबूती वैसी थी, मतलब जो जड़ी बूटी वाला मांझा बना हुआ था वो, उसके लिए आप बता रहे हैं? जड़ी बूटी वाला भी और आजकल का मांझा भी। अच्छा, केमिकल वाले जो भी मतलब केमिकल वाले भी हैं, सफेदी तो आती है और अंदर तक निकलती है 2-3 दिनों के बाद तक, तो उसमें यही देखा गया। अगर वो शौकीन का वहम हो जाता है चलने। अच्छा, ये मांझा खराब हो गया इसको नहीं लेंगे। हाँ, मैं कहता हूँ एक पेज दो एक पेज लड़ा के देखो उसके। हाँ, ट्राई करके देखो क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है। हाँ, तो कोशिश ये कीजिएगा गाइस, आपके पास जो मंजा वगैरह है उसको आप जो नमी वाली चीज़ें हैं मतलब नमी जहाँ पर आ रही है वहाँ पर ना रखें, और अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है और उसको गर्म कपड़ों के अंदर ले जाके रखें, गर्म कपड़े जो आपके पास पड़ोंगे उसमें रखिए, वहाँ पर सील कम आती है। और जो जड़ी बूटी वाले मांझे होते हैं वो ही लॉन्ग टाइम तक ही काफ़ी रहते हैं, क्योंकि आजकल के जो मांझे बन रहे हैं उनमें तेज़ी बहुत होती है, तो लोग ये करते हैं मतलब लोग उनको हैंड टू हैंड लड़ा देते हैं, मतलब रखना पसंद नहीं करते। तो आपको अगर रिजल्ट भी लेना है मांझों के तो ये कोशिश कीजिए कि 1 साल के लिए रखिए आप, और जड़ी बूटी वाले मांझे को तो आप कितने टाइम तक के लिए रख लीजिए, ख़राब नहीं हो सकता वो। बताइए कि मांझे में क्या क्या चीज़ डलती है, जड़ी बूटियाँ वगैरह जो भी हैं बेसिक चीज़ें, और मांझा किससे बढ़िया रहता है, तेज़ी वगैरह मांझे में कैसे लेके आए हम? मांझे के अंदर देखिए एक तो इसाबोल पड़ता है, इसाबोल हो गया और क्या नाम है, तज हो गई, तजदार की लकड़ी जो होती है जी, तज कहते हैं इसको। हाँ, और गुंची है, क्या गुंची जी, एक गुंची हो गया मस्तगी हो गई, और चावल की मार जो चावल और शीशा ये तो है बेसिक चीजें, तो मतलब चावल शीशा है इसके अंदर, ये सामान पड़ गया मसाला। हाँ, जो ये सामान वगैरह है और कुछ बताना चाहे और कुछ इसके अंदर जो भी है वक्त मेरे जहन से। अच्छा अच्छा, दिमाग कमजोर हो गया बीमारी की वजह से। अच्छा, इनकी बीमार भी है इस टाइम ये, और इनका मतलब ये करीब 7-8 साल हो गए, 5-6 साल हो गए ये अपन साथ काम नहीं करेंगे, जो लड़के हैं शोएब भाई, तो शोएब भाई अब सारा काम देखते हैं, ये इनको गाइड वगैरह करते रहते हैं कि काम मतलब ये मांझे में आप ये चीज़ में लाइए, जो भी इनको नॉलेज है दादा परदादा से मिल के आ रही है। तो उस्ताद जी आप ये बताइए, आप कुछ मैसेज वगैरह लोगों को आप जो देना चाहें, चाइना मंजा जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि अपने देश का मांझा जो है वो इस्तेमाल करें और चाइना मांझे पे तवज्जो ना दें, क्योंकि नुकसानदेह है। हाँ, कई लोगों के इसमें खतरा हो चुका है। हाँ, इसकी वजह से। हाँ, और जो मतलब 250 रुपये में आप मतलब खरीद के ले आते हैं, और ये नहीं सोचते लोग कि पतंगबाजी आपने एक सीजन कर ली उसके बाद पतंगबाजी आपको करनी है नहीं, और लोग तो पतंगबाजी कर रहे हैं जी। फिर उससे कितने लोग जुड़ेंगे इस इंडस्ट्री से, मांझे की इंडस्ट्री से, पतंग की इंडस्ट्री से। तो आप चाइना मंजा यूज़ ना करें, और क्योंकि इसमें लोग बहुत जुड़े हुए हैं, पतंग जो थ्रेड वाला मांझा है और पतंग बना रहे हैं इससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनके रोज़गार पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है जी। हाँ, तो कम से कम 2-2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं इसके लिए। अच्छा जी, हाँ लादा मेरा यह है बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, क्योंकि पतंग बनाने वाले अलग, मांझे बनाने वाले अलग, और हाँ, शीशा पीसने वाले अलग, कांप ठंडे छीलने वाले अलग। हाँ, और जो जो भी बातें चीज़ें हैं इसके अंदर, डोरी लौटने वाले अलग, हाँ, ये सब 2-2.5 लाख से के करीब हो जाएंगे या इससे ज़्यादा। अच्छा, इतने लोग जुड़ गए हैं। हाँ, तो ये शीशा ध्यान रखिए, चाइना मंजा बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हाँ, बिल्कुल। Go through the hell.